देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले की तराई इलाकों में अवैध कच्ची शराब की खेती लगातार होते हुए नजर आ रही है, जिसके सेवन से लगातार लोगों की मरने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए लखीमपुर खीरी पूरे जिले की पुलिस इन अवैध कच्ची शराब पर अंकुश लगाने के लिए पूरे जिले की पुलिस जुट गई है। पुलिस अधीक्षक की दिशा निर्देश पर पूरे जिले में अवैध कच्ची शराब पर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस आए दिन छापेमारी कर रही है और हजारों लीटर लहन नष्ट कर रही है। अभी हाल ही में रेहरिया चौकी के अंतर्गत साहिबगंज गांव में छापेमारी की गई थी, उसमें भी हजारों लीटर लहन नष्ट की गई थी। हाल ही में निघासन में हजारों लीटर लहन नष्ट की गई थी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहम्मदी संजय कुमार त्यागी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अवैध शराब बंद अभियान के दौरान मोहम्मदी के गांव हिम्मतपुर में नदी किनारे अवैध शराब बनाने की सूचना पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र पांडे, कांस्टेबल पवन सिंह, कांस्टेबल राहुल गिरी, कांस्टेबल गौरव भारद्वाज द्वारा हिम्मतपुर नदी किनारे नदी पर दबिश दी गई। मौके पर 1000 लीटर लहन नष्ट किया गया। अभियुक्त मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हिम्मतपुर नदी के पास में जो है अवैध कच्ची शराब बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को। उसके अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत ये दबिश की कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी एक बार दबिश हो चुकी है रेडिया चौकी के अंतर्गत। हाँ, वहाँ पे भी जो है कौन सा गाँव था सर? साहबगंज में दी गई थी। अच्छा। तो उसको लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जहाँ पर किस प्रकार की सूचना मिलती है वहाँ मोहम्मदी पुलिस द्वारा तब कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो है इसका कच्ची शराब का निर्माण पूर्णतः ध्वस्त किया जाए। लखीमपुर खीरी से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।